हम सबों की जो मुख्य विषय है वो है इंडिजिनियस पीपल्स डे। तात्पर्य ये कि जिसको आप लोग कहते हैं स्वदेशी लोग, जिसे आप लोग कहते हैं आदिम लोग, जिसे आप लोग कहते हैं जनजाति लोग, जिसे आप लोग कहते हैं अनुसूचित जनजाति लोग, ये दिवस क्यों मनाते हैं और खासतौर से वैश्विक स्तर पर मनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनकी संरक्षण के लिए। जहां तक बात है इनकी संरक्षण के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विलुप्तियां होती होगी, कहीं ना कहीं उसमें कमियां होगी, या वो हमारे विकास की धारा के साथ आज भी नहीं जुड़ पाए होंगे। तो आप देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में एक वर्ग रखा गया है, उसका नाम रखा गया कमजोर वर्ग। उन कमजोर वर्गों के लिए हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए। यदि आप आबादी के हिसाब से देखेंगे तो हमारे देश में इन आदिवासियों की आबादी 8.6 करोड़ है। यदि आप वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो इनकी आबादी 90 मिलियन के आसपास है, और यदि आप हमारे झारखंड की बात करते हैं तो टोटल आबादी में इनकी आबादी 26.2% है। इन आबादियों के ये आबादी विकास के साथ साथ विकास की धारा में पूर्ण रूपे नहीं जुड़ पाई। इन्हें जोड़ने के लिए ना सिर्फ राज्य स्तर पर, ना सिर्फ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो यूएनओ ने जो संविधान बनाया है और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अपना नियम बनाया है, उन सारे जगहों पर इनका प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट किया गया, इनके सेफ गार्ड के लिए बहुत सारे प्रोविजन आज भी मौजूद है। परंतु जितने संविधान या जितने नियम इनके लिए बनाए गए हैं, वो सारे के सारे नियम या कानून वहां तक नहीं पहुंच पाए। कुछ देर पहले आपने सुना होगा डॉक्टर बिंदु पाहन सर ने बतलाया था कि इस झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि खास तौर से इन आदिवासी समूहों के लिए बनाई गई, चाहे वो आप सीएनटी एक्ट हो, चाहे एसपीएनटी एक्ट हो, या आप देखते होंगे ये क्षेत्र पांचवी अनुसूची में आता है। खासतौर से मैं बतलाना चाहूँगा मेरे झारखंड के टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट में 13 डिस्ट्रिक्ट और 3 आंशिक रूप से जिला जो है वो पांचवी अनुसूची के तहत आता है। और पंचायत स्तर से लेकर के यहाँ के कानून में आप देखेंगे जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो बने, उसमें भी विस्थापन के लेकर के, साथ ही आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है हमारे राज्य में जो कि खासतौर से जनजातियों के उत्थान के लिए बनाई गई, लेकिन वह उस ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण उनकी संरक्षण 100% नहीं हो पा रही है। आज उनकी संरक्षण मैं 100% कैसे करूं, वो एक चिंतनीय पहलू है जो कि आज के सभागार में उपस्थित जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जितने भी हमारे बड़े प्राध्यापक हैं, उनके लिए ये आउटपुट होनी चाहिए, ये फाइंडिंग होनी चाहिए कि मैं इस इंडिजिनियस डे के अवसर पर मैं इनकी क्या सुविधा कर सकता हूँ, कैसे संरक्षण कर सकता हूँ। जहाँ तक बात रही हाल के दिनों में जो मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री से जो रिपोर्ट आई है, उनमें भी आप देखेंगे इन जनजातियों की जो स्वास्थ्य की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। 70% जनजातीय महिला आज भी एनीमिया की बीमारी से ग्रसित है। साथ ही आप यदि शैक्षिक क्षेत्र में देखेंगे इनकी साक्षरता लिटरेसी रेट देखेंगे सेंसस रिपोर्ट 2011 के अनुसार, तो उसमें भी देखेंगे जनजातियों की साक्षरता दर कम है, खासतौर से जनजातीय महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो भी कम है। इनके लिए जितनी भी सुविधाएं दी गई है, उन सुविधाओं को आप यदि गौर करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो विशेषकर आप देखेंगे हमारे देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्र के लोगों में जहाँ जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन विशेषकर जो आवाज उठती है उस संसद भवन में वो पश्चिमी भारत के जनजातियों से, और उन पश्चिम क्षेत्रों के जनजातियों ने बहुत सारे आवाज आज संसद भवन में उठाए हैं। आप गौर करेंगे या आप जानते हैं कि मेरे देश में संवैधानिक प्रोविजन के तहत है कि जनजातियों के लिए संसद में भी सुविधा दी गई, आरक्षित सीट दी गई है, और विधानसभा में भी उनके लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था किया। इन सारे आरक्षणों के बावजूद जब वो हमारे संसद भवन पहुंचते हैं
जब हमारे विधानसभा में पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं तो देश हमेशा जागरूक होता है और उनके लिए तत्पर होकर के उतने सारे संविधान आदमी देखेंगे उनके लिए बहुत सारे प्रावधान बनाया गया और विशेषकर जो कमजोर वर्गों में रख करके उनके लिए बहुत सारे प्रोविजन है। आज वक्त है उन सारे प्रोविजनों को और जितने फ्लैगशिप हैं जितने योजनाएं हैं उनके लिए उन सारी योजनाओं को 100% वहां तक पहुंचाने की। ये कैसे पहुंचे कि ये शैक्षिक माहौल है हम लोगों की, इसके लिए आप लोग आलेख लिखें, लेख लिखें, मैगजीन में दें, मीडिया में दें और जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जो आप कहते हैं आदिवासी समूह, इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसकी यदि आप परिभाषा देखेंगे तो वो स्पष्ट रूप से कहता है कि ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला हो, समान भाषा हो और समान संस्कृति हो। तो एक भौगोलिक क्षेत्रों में जो रह रहे हैं तो वहां के आदिवासियों को ये सुविधा आज भी नहीं मिल पाई। खासतौर से आज की डेट में देखेंगे जब यूएनआर में ये सवाल उठी तो बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे यहाँ कोई भी इंडिजिनियस नहीं है, जबकि बांग्लादेश की चिटगांव में देखेंगे पापुआना, ये जो जनजाति है वो बांग्लादेश में मौजूद है, पम्मी जनजाति जो कि इंडोनेशिया में है वो भी वहां मौजूद है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया कहता है और बांग्लादेश कहता है कि हमारे यहाँ कोई इंडिजिनियस नहीं। ऐसा क्यों? आज ये आवाज वैश्विक स्तर पर उठनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर उठनी चाहिए और तदुपरांत हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। आज संक्षिप्त शब्द ही मुझे बोलने का अवसर मिला, इसलिए इतना ही कह करके मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। वरना ये डिबेट की विषय है, मैं खुद सोचा था